महंगी बाइक और तेज आवाज वाला साइलेंसर लगाने का शौक महंगा साबित हुआ। पुलिस ने बीते 7 दिनों में ऐसे 300 वाहन चालकों से बाइक जब्त की है जिसमें 256 बुलेट बाइक है। 6,000 के हिसाब से करीब 18 लाख का जुर्माना भी पुलिस ने वसूला है। बता दें, कंपनी से आई बाइक के साइलेंसर की आवाज तय मानकों पर रहती है। 70 डेसिबल से ज्यादा आवाज होने पर ध्वनि प्रदूषण की कार्रवाई होती है। जब्त किए गए वाहनों के साइलेंसर की आवाज जांची गई तो इनमें से कई की आवाज 100 डेसिबल से भी ऊपर मिली। आप मुझे देखकर सोच रहे होंगे कि शायद मैं रॉयल इनफील्ड के शोरूम में मौजूद हूं, लेकिन नहीं, मैं राजधानी भोपाल के यातायात थाने में मौजूद हूं। और आप जो तमाम रॉयल इनफील्ड गाड़ियां देख रहे हैं, बुलेट गाड़ियां देख रहे हैं, इन पर चालानी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई इसलिए कि इन तमाम बाइकों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगे हुए हैं और इनसे ध्वनि प्रदूषण होता है। 70 डेसिबल से ज़्यादा यदि ध्वनि प्रदूषण पाया जाता है तो इन पर कार्रवाई की जाती है। यही कारण है कि इन तमाम बाइकों पर कार्रवाई की गई है। युवा वर्ग के लोग ज़्यादा जो है बुलेट गाड़ी को पसंद करते हैं और खुद की तरफ और बाइक की तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरीके से जो साइलेंसर हैं वो लगाते हैं, मॉडिफाइड साइलेंसर लगाते हैं। और आपने कई जगह देखा भी होगा कि पटाखे जैसी आवाज़ भी निकालते हैं। यही कारण है कि इन तमाम बाइकों पर कार्रवाई की गई है। मैं भी एक बाइक पर मौजूद हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आखिर किस तरीके से ये ध्वनि प्रदूषण करती हैं। तो आपने देखा, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और आप साउंड से ही समझ सकते हैं कि साउंड काफ़ी तेज है। 70 डेसिबल से ज़्यादा साउंड है और जिस गाड़ी पर मैं बैठा हूँ उसमें आप देख रहे होंगे कि ट्रिपल साइलेंसर है, 3 साइलेंसर हैं। मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि काफ़ी शोर मचा रही है ये गाड़ी और यही कारण है कि इस पर चालानी कार्रवाई की गई है। 256 गाड़ियों पर कार्रवाई की गई है और 6,000 तक का जुर्माना लगाया गया है। करीब 18 लाख रुपए की वसूली 1 महीने में यातायात पुलिस ने की है और पुलिस कमिश्नर सिस्टम जब से लागू हुआ है पुलिस इसी तरीके से कार्रवाई कर रही है और यही कारण है कि एक साथ इतनी ज़्यादा बाइकों पर कार्रवाई की गई है। और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में यदि जो लोग हैं अभी चालानी कार्रवाई से नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में इनको कोर्ट भी भेजा जाएगा। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि युवा वर्ग के लोग काफ़ी बुलेट बाइक और स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं लेकिन खुद की तरफ आकर्षित हों लोग, यही कारण है कि इस तरीके से मॉडिफाइड साइलेंसर लगाते हैं जो दूसरों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में ये बाइकों पर कार्रवाई की गई है। कैमरा पर्सन आशीष खरे के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।